त्वंहीनः पितावसोऽयं त्वन्माता सतक्रतो बभूवित नधाते स्मन्नमीमहे ॐ श्री सूर्याय नमः। मोर अगणित प्रिय दर्शक बंधु माने, आमे भाग्यवादी एवं कर्मवादी अटु। भाग्य एवं कर्म ए उभय आम सहित प्रतिक्षण रे प्रति समय रे आमर जीवन यात्रा सहित संलग्न थाए। तेबे कर्म भाग्य को नियंत्रण करे ना भाग्य कर्म को नियंत्रण करे, उभये उभयर ही परिपूरक अटंती। मनुष्य केवल भाग्यवादी हेले चलिब नाही, कर्म ही निर्भर करे, भाग्य ही निर्भर करे। देखंतु अनंत यत्न करी मध्य अनेक लोक असफल हुवंती, किंतु अनेक लोक स्वल्प कर्म करी मध्य निजर बौद्धिक चिंताधारा निजर शारीरिक विकास निजर बौद्धिक विकास निजर चैतिक विकास ए समस्त विकास नथिबा लोक मध्य सफलतार शीर्षरे पहुँची थाए। समाज रे ए भली अनेक व्यक्ति को आमे देखि थाउ, एहा किपरि हेला ना जेउ माने पूर्व जन्मर संस्कार फलरे आसी थांती यह धाम को से माने हेले अजत्न सिद्ध, से मानंकु जत्न करिबाकु पड़े नाही। जेउ माने संस्कार रंग अभाव थाए यह जन्म रे कर्म करी उठंती से माने निजर कर्मानुसारे फल प्राप्ति हुवंती। तेणु तीन भाग रे विभक्त करागला निजर जीवन शैली को, प्रारब्ध क्रियमाण संचित आमे वेदर चक्षुस्वरूप जे महाशास्त्र ज्योतिष ताकू देखु आमर भाग्य भविष्यत विषय रे जानु। देखंतु एही कार्यक्रम नुहे कौनसी निर्दिष्ट लिप्सा बा इच्छा को आखि आगरे रखी एही कार्यक्रम टी हेला ठीक कथा ठीक वार्ता गोटे ठीक विद्यार उपस्थापना करी लोक मानंकु जणाइबा सावधान कराइबा निजे जानंतु निजर बुद्धिर विकास घटु। शिखिले जानिले ही आमे जीणीबा, जानिले जीणीबा न जानिले जीणी पारिबा नाही। अनेक समय रे ज्योतिष शास्त्र रे ज्ञान नथिबा व्यक्ति टीए निजर भाग्य भविष्यत जानिबा पाई से जणे ज्योतिषंक पाखकु दौड़ी थाए। से ज्योतिषंकर केते ज्ञान गारिमा अछि तदनुसारे से ताहार जन्मकुंडलीर फल परिवेषण करिथान्ती। सेथिरे तांकर उड़ाण अनुसारे से कहिथान्ती जे पक्षी जाए जेते दूर से जाने तहीं रो व्यवहार। ज्योतिष शास्त्र लक्ष्य ग्रंथ अनंत शास्त्र ज्योतिष ताकू बिना गवेषणारे केही हेले कहिबा साधारण कर्म नुहे, अत्यंत कठोर कर्म। काहिंकि
अंधार भितरे पड़ीथिबा आमर भविष्यत को अंडाली धरी आनी उपस्थापन करिबा हला बेदर चक्षु ज्योतिष। आमे जदि निजे जानिबा तेबे जिणिबा आमकु केही हेले प्रवंचना करै पारिबे नाही, ठकी पारिबे नाही, जेहेतु आमर एतद विषय रे ज्ञान अछि। आमे पूर्वं अध्याय रे सुत भाव पंचम भाव पर्यंत रविंकर स्थिति कहिथिलु। वर्तमान षष्ठ भाव हला शत्रु भाव बा अरि भाव। भगवान सूर्य रवि महाग्रह जदि जन्म कुंडली रे षष्ठ भाव रे शत्रु स्थान रे अवस्थान करिथान्ती तेबे गोटे गुड़ बा मिष्टान्नर चारिपटे जे भली पिंपुड़ी बा जंदा घेरी रुहंती से भली से व्यक्ति गोटे शत्रु संकुल होइथान्ती, अर्थात शत्रुर चक्र व्यूहरे थान्ती। मात्र षष्ठ स्तर भी समस्त शत्रु मानंकु अग्नि मुहरे सुखिला तृण घास कुटा पड़िले जे भली जली दग्ध होई जानती, जाहर षष्ठ भाव रे रवि थान्ती केते शत्रु हेले मध्य समस्ते ही ध्वंस पाई जानती, व्यक्तिर किछि करि पारंती नाही। अर्थात से जने शत्रु दमनकारी व्यक्ति हुए। षष्ठस्थ रवि मनुष्यर जीवन को समस्या बहुल करिथाए, समस्या तार पीछा छाड़े नाही। हेले मध्य से जेऊ कार्य करिबाकु जाए से कार्य रे विजयश्री विमंडित हुए। जय माल्य परिधान करी फेरे, विजय लाभ करी फेरे, पराजय र स्वाद तार जीवन रे न थाए। केवल सेती कि नुहे जश एवं ख्याति तार पछरे दौड़ी थांती। मात्र षष्ठ स्तर भी मनुष्य को उग्रवादी कराए, अर्थात गुंडागिरी से जहा कहे से भावे जे मु जने दाम्भिक, मोर दाम्भिकता आगरे समस्ते मथा नत करी रुहंतु, मोर आंगुठीर मोर अंगुष्ठर निर्देश रे समस्ते चलंतु, ए भली भावना रुहे एवं ताहा मध्य से व्यक्ति कार्य रे परिणत कराए। जेउठी की गले मध्य जेउ व्यक्तिर जन्म कुंडली रे राशि चक्र रे षष्ठ स्थान रे रवि अवस्थान करिथिबे से व्यक्ति साधारण कथा रे मध्य अन्य को मारपीट करिबारे, आघात करिबारे, प्रहार करिबारे पछाए नाही। तेबे आमे एपरि कहिबार कारण कौन ना, व्यक्ति एही कथा जदि जानिबे तेबे से निजे संयम आचरण करिबे एवं निवृत्ति हेबे। एही जंग निवृत्ति हबार दुई गोटी मार्ग अछि। निजे रविंकर गोटे मंत्र अछि तांत्रिक मंत्र, एही तांत्रिक मंत्रटी स्फटिक माला रे रविवार दिन जदि 11 माल जप करिबे तेबे तांकर एही षष्ठस्थ एही जे उग्र फल से निश्चित भाव रे तिरोहित होई जीव दूरेई जीव। से मंत्रटी जानंतु ओम रंग रवये नमः, ओम रंग रवये नमः, एही मंत्र नचेत रविंकर गायत्री मंत्र आपण करिबे। रविंकर गायत्री मंत्र हला ओम दिवाकराय विद्महे हे प्रभाकराय धीमहि, त
तन्नो सूरय्या प्रचोदयात। एही जऊँ रवि महाग्रहंकर पवित्र गायत्री मंत्र, एही मंत्र को आपण सबुदिन गोटे माला करिबे, रविवार दिन पांच माला करिबे। जदि एहा न करंती तेबे आपण पवित्र गायत्री मंत्र मध्य करिबे। गायत्री त्रिपदा करि पारिबे, षटपदा करि पारिबे, एकपदा गायत्री करिबे, बा गायत्री होची माला मंत्र। एही मंत्र टिकी मध्य आपण तुलसी माला अथवा रुद्राक्ष माला माध्यम रे जप करिबे। गायत्री मंत्र जप करिबा द्वारा विपथगामी मनुष्य सतपथरे स्वतः आसी जाए, तार बुद्धि रे विकास घटे। गायत्री मंत्र रंग भूत पूर्व शक्ति अछि, एतिकि कहिले यथेष्ट हेब। भगवान परम ब्रह्म जेतेबेले चारोटी आक वेद गोटे पटे रखी सेथरु गायत्री मंत्र टिकि काढ़ी आणिले, सेतेबेले चारोटी आक वेद ज्ञान शून्य होई पड़िले, अर्थात मूल्यहीन होई पड़िले। एणु वेद चतुष्टय रे गायत्री मंत्र हेले सर्वोत्तम मंत्र, जेउठारे उपासना ज्ञान ईश्वर प्राप्ति बौद्धिक विकास सद्बुद्धि आयु आरोग्य प्राप्ति हवार जेउं अद्भुत शक्ति से ही मंत्र रे रही अछि। एही मंत्र दिया में जानिमा ओम भूरभुवस्व तस्वितूरबरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात। एही मंत्र आपण जप करिबे, जप कले षष्ठस्थ रविंकर जेऊ कुप्रभाव आपणंकर जीवन शैली को नष्ट भ्रष्ट करि देई समाज रे एक कालीमांग अध्याय सृष्टि करिबा को जाउथिबो, तार निराकरण होई पारिबो। नचेत आपण मंगलबारे रविवारे शनिबारे नवमी तिथि अष्टमी चतुर्दशी संक्रांति एही दिन मानंकरे आपण भगवती मातंगिंकु स्मरण करिबे। मातंगिंकु स्मरण कले एही षष्ठस्थ भावर फल तिरोहित हब, निराकृत होई पारिब। वर्तमान आमे जानिमा एही जेऊ जोर जार मूलक तार षष्ठ भावरे रवि रहिले, एही जेऊ भाव एही जेऊ भावना एही जेऊ संकल्प आम मनरे उदय हेउ अछि, यार निराकरण निमित्त आमे मंत्राश्रयी हबा एवं केवल कृष्णपक्ष चतुर्दशी बा सोमवार आमे जाई पश्चिमाभिमुख महादेवंकु दर्शन करी बिल्वदल सहित बासचंदन गोरोचना कुंकुम कस्तूरी केसर एवं श्रीखंड चंदन तत्सहित गोदुग्ध देले आमको निश्चित भावरे रविंकर एही जेऊ षष्ठस्थ भावर फल उणा पड़िब। वर्तमान आमे आजिर अध्याय एतिकी रखिबा, परवर्ती अध्याय रे रविंकर फल किभली भावरे राशि चक्रे रही अच्छि जानिबा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।